सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं। सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं। भटक रहा हूं तन्हाई में, नहीं भूला कोई किस्सा हूं। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं। मुझे मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं एक कश्मीरी हूं। ये खाली मैं एज अ पंडित नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ कश्मीरी बोल रहा हूं। और कश्मीर में पंडित भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, डोगरा भी हैं, और सब पीड़ा में हैं। आप सोचो, 6 साल से उस पूरे एरिया में देयर इज आइदर गवर्नर्स रूल और प्रेसिडेंट्स रूल। 1990 से 2017 तक के जो मेरे पास आंकड़े हैं, 14,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। मैं कश्मीरी पंडितों की संख्या अलग से नहीं बता रहा हूं। 5,000 मिलिट्री आर्मी पर्सनल एंड 22,000 मिलिट्री जो एमएचए के फिगर्स है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कश्मीरी और कश्मीरियत की क्या हालत हो गई होगी बाय दिस टाइम। हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का सबसे बड़ा पलायन कश्मीर से कब हुआ? वो 1990 की शुरुआत में हुआ। उस समय किसकी सरकार थी देश में? वीपी सिंह जी की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों के समर्थन से चलती थी। कांग्रेस की सरकार नहीं थी। लगभग 1,40,000 से अधिक हमारे कश्मीरी पंडितों, सिख भाइयों ने पलायन किया। भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन नहीं वापस लिया, उल्टा भाजपा के एक नेता सीएम को हटाकर, स्वर्गीय जगमोहन जी वहां के गवर्नर थे, और उन गवर्नर महोदय ने, जो भाजपा के नेता बाद में भी थे और पहले भी थे और उनके केंद्रीय मंत्री भी थे, उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित भाई बहनों को आप जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, ना जगमोहन जी को कहा कि आप कश्मीरी पंडित भाई बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस्तीफा दीजिए, घर आ जाइए। उल्टा लाल कृष्ण आडवाणी जी एक बंटवारे वाली यात्रा चलाते रहे, रथ यात्रा। कश्मीरी पंडित उजड़ उजड़ कर जाते रहे, सिख भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, हिंदू भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, उग्रवादी उन्हें डराते रहे, उन पर हमले करते रहे, उनको मारते रहे। वीपी सिंह की सरकार मूक दर्शक बनी रही, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती रही, जगमोहन जी वहां गवर्नर बने रहे, और रथ यात्रा के संचालक मोदी जी आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा निकालते रहे। उस रथ यात्रा का इवेंट मैनेजर और संचालक भी माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। केवल एक व्यक्ति और एक दल उठा जिसने हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के पलायन का, उन पर आतंक फैलाने का, उनके कत्लो गैरत का, उनके कत्ल का विरोध किया। वो उस समय विपक्ष के नेता थे, उनका नाम था स्वर्गीय राजीव गांधी। उन्होंने संसद का विरोध किया, घेराव किया। उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी जी ने संसद को घेरा और सरकार को कहा जागिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित, क्योंकि राजीव गांधी जी का परिवार भी कश्मीरी पंडित परिवार है, वो वहीं से निकले हैं। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने संसद का घेराव किया, पर इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया।